अगर ऐसी स्टेट में करप्शन हो तो सबसे बड़ा नुकसान पूरे देश को होने का है। तो आज ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मतलब एक यही था। अरुणाचल प्रदेश में देश के दूसरे भागों की तरह करप्शन जो है इंतहा पर है। अरुणाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से DDU-GJY योजना की, ग्राम ज्योति योजना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन स्टेट है। लेकिन वहाँ पर 142 करोड़ का स्कैम हुआ, 142 करोड़ रुपए हड़पे गए हाईएस्ट लेवल की जानकारी और इन्वॉल्वमेंट के बाद। मेरे साथ काकू पोटुम साहब बैठे हैं, जो एक बहुत बड़े अरुणाचल प्रदेश के सोशल वर्कर भी हैं और ये अपने आप भी एक लॉयर है। इस योजना के घोटाले को, जिसमें बैंक गारंटीज फोर्ज की गई, जिसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लायक भी नहीं, उसको टेम्प्रेरी चार्ज दिया गया, 10-12 साल से वो एक सीट पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा नकली बैंक गारंटीज फाइल की गई, झूठी बैंक गारंटीज फाइल की गई 142 करोड़ के टेंडर। बात यह है कि जो दो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, वो उस दिन के जिस दिन ये टेंडर का NIT जारी हुआ, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स खरीद के रख लिए गए, मार्केट में वो सर्कुलेट नहीं होने दिए। वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस, और आज इतनी बारिश भी हो रही है तब भी आप लोग सब आए। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ करप्शन। करप्शन फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट कैंसर ऑफ आर सोसाइटी एंड कंट्री। और करप्शन अगर बॉर्डर लाइन एरियाज में, जो हमारे बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं, वहाँ हो तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, पूरे देश को होता है। और करप्शन अगर अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में हो, जो चाइना के बॉर्डर पे है, जो चाइना और भारतवासियों के बीच में जो लोग बहादुरी से सीना तान के खड़े हैं, अगर ऐसी स्टेट में करप्शन हो तो सबसे बड़ा नुकसान पूरे देश को होने का है। तो आज ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मतलब एक यही था कि पूरे देश के जो इंटीरियर्स में रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है बॉर्डरलाइन स्टेट्स के लिए अवेयर रहना, और वो अवेयर होंगे तो अपने देश के बॉर्डर्स के बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और एक्शन ले पाएंगे, और एक पब्लिक ओपिनियन भी बनेगा। दैट्स द रीज़न फॉर होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में देश के दूसरे भागों की तरह करप्शन जो है इंतहा पर है। बहुत सारी स्कीम्स आपने प्रेस नोट में हमारा आखिरी पैरा देखेंगे, आप लोगों का टाइम ज़्यादा नष्ट ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इतनी सारी स्कीम्स में तो लार्ज स्केल करप्शन हो रही है, जिसमें PIL सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। अगर एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का सबसे पहले फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है, जिसमें सभी गांवों का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने का स्कीम है, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए पूरे देश में खर्च हुए। अरुणाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से DDU-GJY योजना की, ग्राम ज्योति योजना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन स्टेट है। लेकिन वहाँ पर 142 करोड़ का स्कैम हुआ, 142 करोड़ रुपए हड़पे गए हाईएस्ट लेवल की जानकारी और इन्वॉल्वमेंट के बाद, मुख्यमंत्री की लेवल की इन्वॉल्वमेंट के साथ पावर मिनिस्ट्री इसमें नोडल एजेंसी है, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को इंप्लीमेंट करने की पूरे देश में पावर मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो पावर मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल तक जाके ये 142 करोड़ रुपए की अरुणाचल जैसे प्रदेश में करप्शन हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है। मेरे साथ काकू पोटुम साहब बैठे हैं, जो एक बहुत बड़े अरुणाचल प्रदेश के सोशल वर्कर भी हैं और ये अपने आप भी एक लॉयर है। इस योजना के घोटाले को, जिसमें बैंक गारंटीज फोर्ज की गई, जिसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लायक भी नहीं है, उसको टेम्प्रेरी चार्ज दिया गया, 10-12 साल से वो एक सीट पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बैठे हुए हैं, उन्होंने एक टेंडर किया, जिस टेंडर की
इतने बड़े टेंडर करने की उनकी कोई समर्थता नहीं है। तीन डिस्ट्रिक्ट में, और वो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सीनियर लीडर्स की हैं, उन डिस्ट्रिक्ट का एक ही डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इतना बड़ा टेंडर किया। ये ई टेंडरिंग जो कि नेसेसिटी है भारतवर्ष में, अब जितने भी टेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट्स के होने हैं वो सब ई टेंडरिंग से होने ताकि करप्शन रोकी जाए। इसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई, ये क्या हाईएस्ट लेवल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो सकता है? एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि असल में असिस्टेंट इंजीनियर थे, और अभी मुझे पता लगा कि अभी 30 तारीख को, पिछली 30 तारीख को इतनी बड़ी करप्शन करने का नोडल व्यक्ति होने की वजह से उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया है 30 जून को। तो जब ये केस पेंडिंग है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान ले लिया है और शो कॉज किया है, उसके रिवॉर्ड में अब या उनकी जबान बंद करने के लिए उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया। इसके अलावा नकली बैंक गारंटीज फाइल की गई, झूठी बैंक गारंटीज फाइल की गई 142 करोड़ के टेंडर। इसके अलावा एक कंपनी डीएनजी कंपनी ऐसी है जो इसमें एक टेंडर भरने वाली कंपनी है, और एक जो इसमें टेंडर तीन डिस्ट्रिक्ट का हुआ तो एक डिस्ट्रिक्ट में वो एक पार्टनर भी हैं या जॉइंट वेंचर के एक पार्टनर हैं। ये डीएनजी कंपनी ने काकुपोटम साहब ने जब उन्हें लीगल नोटिस दिया तो उन्होंने ये बताया कि हमने इस टेंडर में कभी अप्लाई ही नहीं किया, यानी कि एक कंपनी से इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए सिर्फ व्हाट्सएप पे, उन्होंने ये जवाब दिया है और वो लीगल नोटिस आप लोगों के सामने अभी मैं दे दूंगा, आप लोग चाहें तो ले भी सकते हैं वो लीगल नोटिस की कॉपी है वो। तो एक डीएनजी कंपनी ऐसी है जिसने कहा कि हमने अप्लाई नहीं किया है, ना हमने कभी टेंडर में पार्टिसिपेट किया है, उसका भी नाम टेंडर में डाल दिया गया उसके सिर्फ व्हाट्सएप पे कागज़ मंगा के। इसकी अखबारों में एडवर्टीजमेंट ही नहीं दी गई, और बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि जो दो लोकल न्यूज़पेपर्स थे वो उस दिन के जिस दिन ये टेंडर का एनआईटी जारी हुआ वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स खरीद के रख लिए गए, मार्केट में वो सर्कुलेट नहीं होने दिए गए। 17 दिसंबर 2019 को 6 ऑफिसर्स सरकार के इस एनआईटी को पास करने के लिए 142 करोड़ की, 6 सरकार के अरुणाचल के ऑफिसर्स जो सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर पोस्टेड हैं वो एक साथ एक ही दिन 17 तारीख को साइन करते हैं ये एनआईटी पास करने के। तो इस तरीके का घोटाला ये है, अगर आप प्रेस नोट देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये सभी चीज़ों के हम आपको सबूत भी दे सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके बाद काकुपोटम साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिनिस्ट्री में शिकायत की कि ऐसे ऐसे हो रहा है और अरुणाचल जैसी स्टेट में हो रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को, स्टेट गवर्नमेंट में सबको, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर सबको चिट्ठी लिखी, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने तब SIC है वहाँ पे करप्शन रोकने के लिए, इस प्रकार की लार्ज स्केल करप्शन रोकने के लिए एक SIC स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसको FIR की कॉपी ही बना के, इतनी मोटी कॉपी जिसमें करीब 300-400 पेजेस हैं सारे सबूत के साथ दी, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इन सब चीज़ों से क्या नज़र आता है कि ये सभी लोग जानकारी होने के बावजूद भी दूसरी तरफ देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है पावर मिनिस्ट्री की। उसके बाद जब SIC ने भी कुछ नहीं किया तो इन्होंने यहाँ CBI में और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के साथ आता है उसको भी चिट्ठी लिखी कि इतना बड़ा अन्याय धोखा अरुणाचल की जनता के साथ और देश के साथ हो रहा है, किसमें, जो प्रधानमंत्री की ही सबसे पहली फ्लैगशिप योजनाओं में से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो 2015-16 की पहली फ्लैगशिप कंपनीज में से स्कीम्स में से एक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसमें DOPT डिपार्टमेंट ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, तब मजबूरी में इन्हें हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। और उसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट की जो अरुणाचल की बेंच जो ईटानगर में बैठती है उसने ये ऑर्डर पास किया। उसने प्रथम दृष्टया, मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि इट इज़ द केस ऑफ द पिटिशनर, पिटिशन में हमारी ये लिखा है कि द वर्क इन क्वेश्चन वॉज अलॉटेड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वेर इन रिकोर्स टू फोर्जरी एंड अदर इलीगल मीन्स वट ऑल्सो टेकन टू इट इज ऑल्सो एलेज दैट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन वॉज मिनिमाइज
and the work was allotted to a favorable party. The learned counsel accordingly prays for direction for registering a criminal case on the subject and for monitoring the same. Alternate prayer is for directing a judicial inquiry. तो हमने CBI inquiry मांगी और judicial inquiry मांगी, लेकिन court की निगरानी में. नहीं तो आजकल जो माहौल चल रहा है, सारी जो agencies हैं CBI तक को Supreme Court caged parrot कह चुकी है. तो इसमें जो सबसे interesting बात है वो ये है कि जो पैरा 3 में लिखी हुई है आप लोग ले सकते हैं जजमेंट. On the other hand, Shri L. Pame, Learned Standing Counsel Power Department has categorically submitted that the instant petition is a guise of PIL is only to a personal vendetta which has been initiated at the instance of Minister of Commerce, Government of Arunachal Pradesh. तो इस हद तक करप्शन भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ मैंने पूरे देश में आज तक इतने सारे मुकदमे किए हैं, करप्शन के भी, PILs भी, सब. कोई भी सरकार का सरकारी वकील खुद अपने मंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी स्टेटमेंट के, ये राजनीतिक द्वेष की भावना से कैबिनेट मिनिस्टर ने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ ये PIL कराई है, ऐसा मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा है कि सरकार का जो वकील है वही सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार हो गया. तो मतलब एक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये सरकारी वकील ने कंसीड ही किया. द लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल हैज ड्रॉन अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू डी ओ लेटर नंबर 29/29/2021 इशूड बाय द इनकम्बेंट टू द रीजनल हेड ऑफ द ICICI बैंक तेजपुर. यानी कि ये इन कैबिनेट मिनिस्टर का गुनाह क्या है कि जो नकली बीजी, जो काकू पोतम ने सबको चिट्ठियां लिखी थी नकली बीजी का सबूत देने के लिए, इतना बड़ा धोखा सरकार के साथ कैसे हो सकता है कि 10% जो बैंक गारंटी देनी है वो भी अपने घर में बना के ICICI बैंक का दिखा दिया. इतनी बड़ी फोर्जरी कैसे हो सकती है? तो इन कैबिनेट मिनिस्टर साहब की गलती ये बताई जा रही है सरकारी वकील द्वारा कि इन्होंने वो जो है ICICI बैंक को फॉरवर्ड कर दी वो, और ICICI बैंक ने, आप चाहें तो कागज ले सकते हैं हमसे, ये कह दिया कि हाँ ये नकली बैंक गारंटीज हैं, और इस नकली बैंक गारंटीज की बुनियाद पर टेंडर जो है आगे बढ़ता. ये उनका गुनाह बताया जा रहा. तो इस हद तक जाके करप्शन हो रही है. तो कोर्ट ने प्रेमा फेशा है इस बात में, हमारी जो एलिगेशंस थी उसमें उसको सही मानते हुए, तो सारे जो वन जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको नोटिस शो कॉज जारी किया है. 25 जुलाई की डेट है. तो मैं आप लोगों से सबसे ये गुजारिश करूंगा कि करप्शन का जो जो भी इशू अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट में हो, तो उसका जानकारी, उसके बारे में अवेयरनेस मेन लैंड जो हमारा भारत है उसमें होनी ज़रूरी है. तभी देश के ऐसे वर्नरेबल जो हिस्से हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं चाइनीज एग्रेशन से, उसमें करप्शन कम से कम रोकी जा सके. बाकी सारे देश में तो जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं. तो नोटिस इसमें किस किस को जारी हुए हैं मैं बताता हूँ. स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस को हुआ है, चीफ सेक्रेटरी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर पी वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन, एग्जीक्यूटिव ईस्टर्न जोन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ईस्टर्न जोन बम डिबला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तवांग इलेक्ट्रिकल डिवीजन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक नामसा इलेक्ट्रिक डिवीजन, कमिश्नर डेप्टी सेक्रेटरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जिसमें कंप्लेंट दे रखी है, मेसर्स निर्वाणा एंटरप्राइजेज जिसने ये भी बहुत मज़ेदार बातें हैं कि निर्वाणा ने ही बैंक गारंटीज फेक फाइल की थी, और मेसर्स DM ग्रुप. एक इंटरेस्टिंग बात मैं भूल गया कि मेसर्स DM ग्रुप जो हैं ये Class 3 कॉन्ट्रैक्टर थे. बहुत एक डेढ़ महीना पहले ही या कुछ समय पहले ही इनको Class 2 कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया. लेकिन Class 2 भी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेंडर भर सकते हैं वो सिर्फ होता है 8 करोड़ का, और उन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा टेंडर भर गया. तो इससे बड़ी बिल्कुल ही बेशर्मी के साथ मैं समझता हूँ करप्शन, खुलेआम डकैती एक तरह से किसी भी जगह नहीं मारी जा सकती. ये इससे सब डॉक्यूमेंट से निकल के सामने आ रही है बात. अब मैं आपको वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स बताना चाहता हूँ कि जिसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश का 142 करोड़ का हक जो है मार के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों दे दिया गया, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण वजह है. उसमें जो पहली डिस्ट्रिक्ट है वो है बॉमडिला डिस्ट्रिक्ट है, जो यूनियन कैबिनेट लॉ मिनिस्टर हैं जनाब किरण रिजिजू साहब,
उनकी होम डिस्ट्रिक्ट है, जो तवांग है वो होम टाउन है, जो अभी पेमा खांडू साहब हैं चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश की, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट है उनको, और तीसरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो है नामसाई, जो कि हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अरुणाचल प्रदेश के पावर मिनिस्टर जो हैं श्री चौना मेन। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट के भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्हीं तीन डिस्ट्रिक्ट का हक है केंद्र की योजनाओं पे, बाकी सारे अरुणाचल प्रदेश का हक नहीं है, ऐसा भी इससे साफ साफ निकल के आता। तो मैं यही हमें कहना था कि अब 25 जुलाई को इसका अगली डेट अदालत ने दी है, और 30 जून को ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिनका नाम है फुरपा वांगे, उनको इस 30 ये सब कारनामे फुरपा वांगे तो इनको एक पुरस्कार दिया गया है 30 जून को, उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसका पदोन्नति उनकी 10 साल से नहीं की जा रही थी, केयर टेकिंग थे जिसका, उनको कर दिया गया है। स्पेशली बाकी सारे असिस्टेंट इंजीनियर जो है मेरे ख्याल से उनका अभी प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसका पुरस्कार देने के लिए या इस पे पर्दा डालने के लिए जो हम लोगों को अब नज़र आता है उनका प्रमोशन भी कर दिया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट की अरुणाचल प्रदेश ईटानगर बेंच, परमानेंट बेंच, 25 जुलाई को हियरिंग है। नोटिस जो सर्व हुए सरकार को, इन सभी रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शंस दी गई है कि आप उससे पहले अपना जवाब फाइल करें, और नहीं अभी तक यस नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, सेंट्रल फंडेड बाय थ्रू REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो पावर मिनिस्ट्री की एक सब्सिडी कंपनी है, और उसकी निगरानी में ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इंप्लीमेंट होती है पूरे देश में।